इसी महीने की शुरुआत में मोदी सरकार ने परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया था। इसमें नकल करते पकड़े जाने, नकल करवाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ये बिल कानून का रूप ले चुका है और अब यूपी में इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान और हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में, जो एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि इस मामले में योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले हमेशा से सरकारें परीक्षा में धांधली या अनियमितताओं जैसी बातों को सिरे से नकारती आई हैं, लेकिन अब पहली बार योगी सरकार ने माना है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। यही वजह है कि अब 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक जांच समिति बनाई है। तो वहीं एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में भी एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। ये दोनों समितियां पेपर लीक की शिकायत से लेकर पेपर में देरी से पहुंचने और सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच करेंगे और फिर जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले UPPRPB यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक्स पर रविवार को लिखा था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि कुछ अराजक तत्व ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा के इस्तेमाल से सोशल मीडिया पर पेपर लीक जैसा भ्रम फैला रहे हैं। बोर्ड और यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रकरण है इसकी अब गहन जांच की जा रही है। यूपी पुलिस में भर्ती के लिए हुई परीक्षा से पहले ही कई तरह के गैंग एक्टिव थे। सॉल्वर और अभ्यर्थियों के अलावा सैकड़ों दलाल इस तरह का भ्रम फैलाकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से कुछ तो पकड़े भी गए। बलिया जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली करने के आरोप में नकल गिरोह के 11 सदस्यों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन है, जबकि एक मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वन विभाग में कांस्टेबल है। वहीं गोंडा जिले में पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले के एक शख्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले के कुंदन कुमार चौधरी को शनिवार शाम जिले के नवाबगंज कस्बे में एक परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया है। उनके मुताबिक वो सिपाही भर्ती के लिए मनकापुर थाना क्षेत्र के तन्मय सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था। तो जैसा कि यूपी के सीएम योगी अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, वैसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ है। यूपी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में 15 फरवरी से 18 फरवरी तक कुल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गिरफ्तारियां पेपर लीक कराने की कोशिश, नकल और ठगी के मामलों को लेकर हुई हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से ये गिरफ्तारियां की हैं। एक हफ्ते पहले आरओ और एआरओ की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था और फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बीच कई जगहों से पेपर लीक होने की खबरें छाई रहीं पूरे मीडिया। कुछ इलाकों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग की। इसी के चलते अब यूपी की योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो बस कीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि अब यूपी में अपराध और अपराधियों की खैर नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।